क्या तुम भी रात के 3 बजे तक सोशल मीडिया चला रहे हो? इफ यस देन वेलकम टू दी 3 AM क्लब। आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। लेट्स बिगिन। एक 5 AM क्लब करके बड़ी फेमस बुक है, तुमने जरूर उसके बारे में कभी सुना होगा, लेकिन क्या कभी तुमने 3 AM क्लब के बारे में सुना है? अब तुम बोलोगे जैसे 5 AM क्लब में सुबह 5 बजे उठ के सारे काम शुरू कर देते थे, वैसे इसमें 2 घंटा और पहले उठ के सारे काम शुरू कर देते होंगे। बट मतलब तो तुमने बिल्कुल सही निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। 3 AM क्लब के लोग सुबह 3 बजे उठते नहीं, सोने जाते हैं। अभी तक तुम समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं आजकल के एक नॉर्मल यूथ के बारे में, जो पूरी रात YouTube और Instagram चलाता है और फिर सुबह 3-4 बजे थक हार कर सोने चले जाता है। लेकिन आजकल अचानक से ऐसा पैटर्न क्यों बनने लग गया है? कुछ टाइम पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, और आज ये क्लब इतना ज़्यादा एक्टिव कैसे हो गया है कि आज ऑलमोस्ट हर दूसरा यूथ इस क्लब का एक एक्टिव मेंबर है। अब इसकी कोई पर्टिकुलर बिगिनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जियो के फ्री इंटरनेट आने के बाद से इस क्लब में लोग जुड़ना शुरू हो गए थे। लेकिन इस क्लब की असली ग्रोथ होती है लॉकडाउन में। लॉकडाउन में हम सबको पता ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैम्पर हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ हैम्पर हुई थी वो थी हमारा रूटीन। लॉकडाउन के पहले हम सबका एक फिक्स रूटीन बना हुआ था। हमें पता था कि भैया कल सुबह उठकर स्कूल, कॉलेज, जॉब या कोचिंग में जाना है। लेकिन लॉकडाउन लगते ही हम सभी लोग एक रिलैक्सिंग पोजीशन में आ गए। हम सबको पता था कि अब कल कहीं सुबह जाना थोड़ना है, घर में ही रहना है, तो रात को जल्दी सोकर भी क्या ही कर लेंगे। और पहले जब ये चीज़ सिर्फ सैटरडे नाइट्स को ही हुआ करती थी, अब ऑलमोस्ट हर नाइट ही सैटरडे नाइट बन गई। और ये चीज़ आगे 1-2 साल तक चली, तो ये चीज़ हमारी एक आदत सी बन गई। सैटरडे नाइट्स में अक्सर लोग मूवी वगैरह देखा करते थे, लेकिन जब हर रात ही सैटरडे नाइट बनती गई, तो लोगों ने इसके लिए एक नया जुगाड़ निकाल दिया, सोशल मीडिया। लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने दबाकर सोशल मीडिया का यूज़ किया, और आगे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई जिन्होंने बताया कि एक एवरेज आदमी लॉकडाउन के टाइम पे ऑलमोस्ट 4-6 घंटा सोशल मीडिया में बिता रहा था। और ये डेटा तो एक जनरल पॉपुलेशन का डेटा है, और हम सभी जानते हैं कि यंगर एज ग्रुप में तो ये ऑलमोस्ट डबल ही रहा होगा। और यहीं से शुरुआत होती है द 3 AM क्लब की, जहाँ लोगों ने दिन भर थोड़ा थोड़ा फ़ोन चलाया, क्योंकि घर में कोई कुछ बोल देगा या घर का कुछ काम भी करना पड़ेगा दिन में। और जैसे ही रात के 10-11 बजे तक सब लोग सो गए, वैसे ही फिर वहाँ से रात के 3-4 बजे तक सोशल मीडिया में दबा के माइंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि एक एडिक्शन बन जाए। मेयरली 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इसको यूज़ करते हुए कोई भी इंसान इस 3 AM क्लब का एक परमानेंट मेंबर बन गया। और अगर तुम्हें याद हो तो 2020 के ही टाइम पे रील्स और शॉर्ट्स की भी शुरुआत हो गई थी, तो उसने तो इस सिचुएशन में सोने पे सुहागे का काम कर दिया। और अब तुम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते जाओ, रील शॉर्ट्स घिसते जाओ, क्योंकि ये तो अब कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। फिर बस जैसे जैसे लॉकडाउन का ड्यूरेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे ये एडिक्शन एक परमानेंट एडिक्शन बन गया। और रात को 3-4 बजे सोकर 11-12 इवन 1-2 बजे दिन में उठना एक नॉर्मल सा रूटीन बन गया, जो आज तक एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए एक कॉमन सी बात है। बट जब एंटरटेनमेंट देखते हुए लोग फेड अप हो गए और लगा कि अब समय है बदलने का, तो फिर शुरुआत होती है 3 AM मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट की। 3 AM मोटिवेशन का सीधा सा मतलब है, देर रात तक सोशल मीडिया में इधर उधर मुंह मारते हुए तुम्हें अचानक से दिखती है एक मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें डेविड गॉगिंस, एलेक्स हरमोजी या कोई भी पॉडकास्ट करते हुए तुम्हें दिख जाता है, और तुम उस वीडियो को देखकर हो जाते हो हाइपर मोटिवेटेड। काफ़ी लोग तो स्टाइल मारने के लिए उस समय 8-10 पुशअप भी मार लेते हैं, लेकिन फिर विचार आता है चलो भाई अभी जल्दी जल्दी फटाफट सो जाते हैं, कल सुबह उठकर होगा फ्रेश स्टार्ट। सुबह होती है, अलार्म भी बजता है, लेकिन उठते वही 11-12 बजे हैं। और फिर होता है चलो कोई नहीं, आज रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के फ्रेश स्टार्ट होगा। अगले दिन सुबह फ्रेश स्टार्ट हो भी जाता है, सुबह सुबह थोड़ा मॉर्निंग वर्कआउट भी होता है, और अब बारी आती है काम करने की। अब ये काम कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई करना, एडिटिंग करना, कोई असाइनमेंट बनाना या कोई प्रोजेक्ट पे काम करना। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इस काम को करने में भयंकर बोरियत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एक लंबे समय तक पूरे दिमाग को इतने हाई डोपामिन शॉट सोशल मीडिया देखते हुए और ये रील शॉट्स देखते हुए दिए गए हैं, तो इन कामों में बोरियत होना तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। और इस 3 AM क्लब वाले लोगों का तो स्लीप शेड्यूल और स्लीप साइकिल की ऐसी तैसी हुई पड़ी है,
तो ये तो इस सिचुएशन में एक एडेड एडवांटेज की तरह रोल प्ले करता है। इसके बाद उसी रात फिर वही मीम रिपीट हो जाता है, चिंता मत कर भाई कुछ नहीं बदलने वाला, एंड बैक ऑन दी 3 AM क्लब। और इसके कुछ ही महीनों बाद फिर दोबारा से कहीं पे 3 AM मोटिवेशन की साइकिल अपने को दोबारा रिपीट करती है, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो 3 AM क्लब की एज सच मुझे तो कोई एडवांटेज लगी नहीं, लेकिन हाँ डिसएडवांटेज बहुत सी हैं। कुछ तो हमने अभी देख ली और कुछ है कि स्लीप पैटर्न का ऐसी तैसी हो जाना, खत्म एनर्जी, खत्म पना, एडिक्शन, टाइम वेस्ट, खत्म शरीर और खत्म जिंदगी। बाय द वे, अगर 3 AM क्लब के डिसएडवांटेज की एक वीडियो देखनी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो में हमने देखा कि 3 AM क्लब क्या है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है। अब अगर तुम भी इस क्लब के एक प्रीमियम मेंबर हो और चाहते हो कि इस क्लब को हमेशा के लिए कैसे छोड़ा जाए और एक सही ट्रैक पे कैसे आया जाए, तो उसकी बात हम एक नई वीडियो में करेंगे, नहीं तो अभी सब हलवा पूरी हो जाएगा। अगर उस टॉपिक पे एक वीडियो देखनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसी के साथ आज की चर्चा को आज यहीं पूर्ण विराम देते हैं। आई होप आज दिमाग के कुछ दरवाजे खुले होंगे। अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।